वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देश के विकास में राजमार्गों की बड़ी भूमिका होती है, उनके सहारे ही देश दौड़ता है। लेकिन अगर देश की रीढ़ जैसे जरूरी राजमार्गों पर भारतीयों को हर साल 48,000 करोड़ रुपए की रिश्वत अदा करनी पड़ती है, तो यह न केवल दुखद बल्कि शर्मनाक भी है। सड़क सुरक्षा की पैरोकारी करने वाले संगठन सेफ लाइफ फाउंडेशन SLF द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजमार्गों पर रिश्वत लेने में स्थानीय पुलिस भी आगे है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 48,000 करोड़ रुपए की रिश्वत तो सिर्फ व्यावसायिक वाहनों को चुकानी पड़ती है। यदि इसमें राजमार्गों पर चलने वाले अन्य प्रकार के वाहनों को भी जोड़ दिया जाए, तो राजमार्गों पर वसूली जा रही कुल रिश्वत की भयावहता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कौन हैं ये रिश्वतखोर और कौन हैं जो इन रिश्वतखोरों को पाल रहे हैं? राष्ट्रीय विकास और ईमानदारी की बुनियाद में छेद करने वाले लोग कौन हैं? राजमार्गों पर देश की विकासशील संपन्नता पर डाका डालने वाले लोग कौन हैं? राजमार्गों की बड़ी कमजोरी की पोल खोलती यह रिपोर्ट बताती है कि विगत एक दशक में राजमार्गों पर चल रही रिश्वतखोरी के मामलों में 120% की बढ़ोतरी हुई है। यह एक आम धारणा रही है कि डिजिटल दौर में रिश्वतखोरी घटेगी, लेकिन सर्वे से सामने आई जमीनी हकीकत इसके विपरीत बयान कर रही है। एक अन्य धारणा यह भी है कि जगह जगह CCTV कैमरों के कारण भी रिश्वतखोरी घटेगी, लेकिन शायद यहाँ भी नाकामी हाथ लगी है। डिजिटल और CCTV का कोई लाभ न होना हमें ही नहीं, सरकार को भी सोचने पर विवश करे तो ही बात बनेगी। सरकार को अपने स्तर पर इस रिपोर्ट की जमीनी पड़ताल करनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि राजमार्गों पर कथित धार्मिक वजहों और चंदे के नाम पर ड्राइवरों से पैसे वसूलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यह रिपोर्ट वसूली के विस्तार में जाकर बताती है कि स्थानीय पुलिस जहां रिश्वत के रूप में हर साल 22,000 करोड़ रुपए लेती है, वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO के अधिकारी सालाना 19,500 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूल लेते हैं। जाहिर है इतनी भारी रिश्वत की कीमत देश अपने पिछड़ेपन से और देश के लोग महंगाई भुगत कर चुकाते हैं। इस स्याहसच की पड़ताल सरकार को जरूर करनी चाहिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, 25 फरवरी को राजस्थान में एक बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी।
और 24 लोग मारे गए। पता यह चला कि बस के कागज़ पूरे नहीं थे, वह अवैध रूप से दौड़ रही थी। यहाँ यह स्वाभाविक सवाल पैदा होता है कि क्या बिना रिश्वत ऐसी बसों या वाहनों का चलना मुमकिन है? क्या ऐसी सिलसिलेवार दुर्घटनाओं के बावजूद परिवहन विभाग के अफसरों और पुलिस की मोटी चमड़ी का कभी इलाज हुआ है? यदि इस आर्थिक सामाजिक महामारी का सही इलाज होता तो यह नौबत ही नहीं आती। यह बात छिपी नहीं है कि राजमार्गों की गुणवत्ता सुधरी है, नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, लगातार चौड़े हो रहे हैं, लोगों को परिवहन में पहले की तुलना में सहूलियत भी हो रही है। लेकिन अगर राजमार्गों पर रिश्वत की वसूली बढ़ी है या जारी भी है तो कहना न होगा कि राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ने का यह दावा बेमानी है। स्टॉप।